हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए लास्ट मिनट टिप एंड ट्रिक्स लेके आ गया हूं। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की बातचीत यहां पे होगी, क्या क्या टिप क्या क्या टिप्स हो सकती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, क्लास 12th टर्म 1 का एग्जाम है दोस्तों आज आपका, 11:30 पे आज आपका पेपर होगा, तो बिल्कुल टाइम से सभी लोग जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकल जाना, जो आपका सेंटर है उसके लिए निकल जाना। अब मैथ्स को लेकर बच्चे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो सीबीएसई का टर्म 1 का इंग्लिश का पेपर आया उसको देखते हुए मैथ्स का पेपर भी ट्रिकी भी आ सकता है और यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्या आपने लास्ट मिनट फॉर्मूला किया है, क्या आपने एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से पेपर करना और पेशेंस रखना, आराम से सारे पेपर को करना, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम बढ़ते हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं। अब क्या कर सकते हैं, ये वीडियो आप लोगों को यहां पर जरूर से मोटिवेट करेगा कि 1 आवर 2 आवर में हम लास्ट में जाके कैसे 40 out of 40 ला सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर बातचीत करेंगे क्लास 12 टर्म 1, यहाँ पे सीबीएसई मैथमेटिक्स की यहाँ पे बातचीत हो रही है। सीबीएसई टर्म 1 का आपका पेपर है, 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा दोस्तों, और उसके अंदर से आपको मैं कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट वो बताने वाला हूँ, आप उसको ध्यान पूर्वक से समझ लेना और चीजों को एक एक करके फोकस कर लेना। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन है, ITF है, या मैं बात करूं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, या लीनियर प्रोग्रामिंग है, 5 चैप्टर तो एकदम बहुत आसान है दोस्तों। उसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से पढ़ना है और एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी की बात है, डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए, कॉन्टिन्यू कब कब है फंक्शन वो पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको देखना है दोस्तों कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है, उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से पेपर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। आइए दोस्तों सबसे पहले पेपर में हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो पाए तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट आपको देना चाहिए केस स्टडी सेक्शन सी को, वहां से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 50 टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन केस स्टडी पे होंगे, 5 एक केस स्टडी से और 5 एक केस स्टडी से। तो आपको क्या करना है, उसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि केस स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है दोस्तों। 12th क्लास की बात कर रहा हूं, इसलिए पहले केस स्टडी को कर लो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रफ शीट पे लिख लो और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाओ, और सारे 8 क्वेश्चन मार्क करके रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन छूटता है तो देख लेना, बाकी सारे 8 क्वेश्चन करके आप सेक्शन ए पे पहुंच जाओ। तो सेकंड में लिखा हुआ है सेकंड अटेम्प्ट सेक्शन ए, 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, उसको भी रिव्यू कर लेना है और आराम से बैठ के पेशेंस के साथ आप पेपर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी मत करना, किसी तरीके का कोई भी रश मत करना। अगर इस तरीके से सेक्शंस को उठाओगे तो टाइम पर आपका पेपर खत्म हो जाएगा, इस बात का अश्योरेंस मैं आप लोगों को देता हूं। सेकंड अटेम्प्ट आपको सेक्शन ए करना है, 16 क्वेश्चन उसके अंदर है। थर्ड अटेम्प्ट आपको सेक्शन सी करना है, 16 क्वेश्चन उसके अंदर है। अटेम्प्ट आपको 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं बच्चों को देख रहा हूं, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास 12th का बच्चा हो, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए। तो 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और यहाँ पे दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करें और चीजों को एक एक करके क्लियर करते हुए जाए। अब मैं आपको बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन में से क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में से इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना आपको आना चाहिए। कैसे, हम यहाँ पे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव देखते हैं। 1-1 और 1-2 फंक्शन क्या होते हैं, क्या बाइजेक्टिव होता है, क्या सर्जेक्टिव होता है और क्या इंजेक्टिव होता है, ये बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ट्रिकी आपको एक एक चीज का आइडिया लग जाए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट ITF के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसके अंदर हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए सर, तो वो आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है, या मैं कहूं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मैट्रिसेस की बात कर लेता हूं, मैट्रिसेस में आपको दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है दोस्तों ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैट्रिक्स का, ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत क्वेश्चन इस पे आपने किए भी होंगे प्रैक्टिस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद जो है आप तुरंत से इन सारी चीजों को जो मैं बोल रहा हूं उसको रिवाइज कर लेना, आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट जरूर होगा। अगर आपको बेनिफिट हो तो आकर एक बार इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आइए दोस्तों आइए आगे देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात को देख लेते हैं, वो है दोस्तों
आपको आगे बढ़ना है मैट्रिसेस के साथ, और मैट्रिसेस में आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं, डिटरमिनेंट में आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, कैसे माइनस प्लस चलता है, पूरा रोटेशन आपको पता होना चाहिए, आई और जे को कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट को कैसे देखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई का वैल्यू आपको डिटरमिनेंट की मदद से कैसे निकाला जाता है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया जाए या डिटरमिनेंट को इक्वल कर दिया जाए तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रांसपोज निकलता है। और अगर मैट्रिक्स में मैं कुछ और बातों की बात करूं तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे से क्वेश्चंस 100% आएगा। अब आते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, तो कॉन्टिन्यूटी पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों वो आएगा दोस्तों क्वांटिटी पे आपका क्वेश्चन के का वैल्यू क्या होता है, कब कब फंक्शन कंटिन्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को देखकर आपको इसे डिसाइड करना है और के का वैल्यू निकालना है। डिफरेंशिएबिलिटी पे आपको एक्सपोनेंट फंक्शन लॉग फंक्शन इन सब के डिफरेंशिएशन अच्छे से पता होने चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन आप जैसे नॉर्मल आप जो यहां पे फॉर्मूला देखते हैं एक्स की पावर एन है इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, बेसिक बातें हैं, लॉग का वन बाई एक्स होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, ये कुछ बातें हैं बट बेसिक है आपको पता जरूर होना चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पे अटेम्प्ट कर पाए, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये सब बातें आपको अच्छे से इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीज और डिक्रीज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम पे भी यहां पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसको जरूर से इंपॉर्टेंटली देखना क्योंकि केस स्टडी आपका यहीं से बन सकता है। आपको कोई कंटेनर दे दिया उसका मैक्सिमम और मिनिमम आपसे पूछा गया, वॉल्यूम पूछ लिया जा सकता है, एरिया पूछ लिया जा सकता है, तो केस स्टडी को भी बहुत अच्छे से आपको एकदम तरजीह देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट्वेल्थ है एलपी, बहुत ही एकदम आसान चैप्टर में कहूंगा दोस्तों, एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपको शेडेड रीजन वाले सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, जेड किससे, जेड से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उससे हम यहां पे निकालते हैं कि कहां पर मैक्सिमम आएगा कहां पर मिनिमम आएगा, ये सारी बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये टिप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है, इसीलिए एक बार इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लें ताकि आपको यहां पर काफी हेल्प हो पेपर देते टाइम। अब व्हाट टू डू सर, रिवाइज ऑल मेथड, सबसे पहले रिवाइज कर लेना है सारी चीजों को, और यहां पे फोकस ऑन केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो रिवाइज कर लेना सारे मेथड्स को कि कौन कौन से मेथड कैसे होते हैं कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फोकस ऑन केस स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन इजी टॉपिक्स, भाई इजी टॉपिक्स है लीनियर प्रोग्रामिंग है, मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, रिलेशन इन फंक्शन है, आईटीएफ है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी अगर आपने अच्छे से किया होगा पांचों चैप्टर तो वो भी, वैसे सारे चैप्टर आसान है बट बच्चे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से घबराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इजी टॉपिक्स पे पहले फोकस करना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें क्योंकि हमें दोस्तों 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने हैं, चाहे जो हो जाए 40 में 40 लेकर आने हैं और टर्म वन में हमें 50% काम खत्म कर देना है। अब आते हैं दोस्तों आगे कि आपको ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स कहां पर देने वाला हूं, तो उसके लिए आपको दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है सिंघकोरी क्लास 12, आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है सिंघकोरी क्लास 12 को, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सिंघकोरी क्लास 12, एलएमएफ वहां पे मिलेगा आपको, लास्ट मिनट फॉर्मूला और रिविजन नोट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे, जरूर से सबसे पहले आपको यहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे आज ही, यहां पे बता दूं दोस्तों आप उसको देख ले, अभी उसको देख ले ताकि आपकी तैयारी हो जाए और आराम से आप चीजों को समझ पाए। एक बार वापस से बताना चाहूंगा, SINGHKORI सिंघकोरी क्लास 12, आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी बातें सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स को देख के डरे नहीं, आप आराम से जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से पेपर को करके आएंगे, 40 में 40 आप करके आएंगे और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 40 out of 40 मार्क्स आपके जरूर आएंगे, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और आज हम यहां पर 1:30 पे मतलब 1:30 बजे 1:30 पे पेपर एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले आप आ जाना, अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हो, आपका जो भी पेपर आए आपको बस रिलैक्स जब होना है और आराम से पेपर देना है, आके आंसर की चेक कर लेना और आगे भी आपके ऐसे ही पेपर्स होंगे दोस्तों, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी वीडियो में जिसमें आपकी हेल्प हो, आप लोगों की मदद हो, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, आप लोगों से मिलता हूं ऐसे ही किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच।